और चंद्रशेखर जी के बारे में मैं आपको क्या बताऊं, पूरा देश जानता है। वो एक समाज सेवी व्यक्ति है, अन्याय के विरुद्ध हर जगह लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। उनके व्यक्तित्व से हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। आप अपने अमूल्य वोट को सही जगह लगाएं और जो आप लोगों के साथ अन्याय हो रहा है और जो न्याय नहीं दे रहे हैं उस न्याय को आप प्राप्त करें। आने वाले चुनाव के माध्यम से आप अपना वोट इनको दें, एमएसपी लें, आप सामाजिक न्याय लें। जगह जगह देखने को मिलता है कि कई जगह एक कमजोर व्यक्ति को कुचला जाता है और मैं इसका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं जिन लोगों ने यह कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया। मैं माननीय श्री राधे राम जी गोदारा साहब को अच्छी तरह जानता हूं। ये 24 कैरेट के सोने हैं, आप इनको समर्थन देके और आप इनका मान बढ़ाएं, ये आपका 100% भला करेंगे। और चंद्रशेखर जी के बारे में मैं आपको क्या बताऊं, पूरा देश जानता है। वो एक समाज सेवी व्यक्ति है, अन्याय के विरुद्ध हर जगह लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। उनके व्यक्तित्व से हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। आप अपने अमूल्य वोट को सही जगह लगाएं और जो आप लोगों के साथ अन्याय हो रहा है और जो न्याय नहीं दे रहे हैं उस न्याय को आप प्राप्त करें। आने वाले चुनाव के माध्यम से आप अपना वोट इनको दें, एमएसपी लें, आप सामाजिक न्याय लें। जगह जगह देखने को मिलता है कि कई जगह एक कमजोर व्यक्ति को कुचला जाता है और अभी हाल का 3 दिन पहले चंद्रशेखर जी के ऊपर हमला हुआ, कातिलाना हमला हुआ। ये हमला ऐसे हमलों की मैं सर्वथा निंदा करता हूं और ये नहीं होना चाहिए और ये समाज की कमजोरियों से होता है। आप क्यों ऐसे आदमियों को मौका देते हैं? मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि भविष्य में ऐसी शक्तियों को मौका ना दें कि वो किसी पे हमला करने के लायक होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को जिन्होंने समाज के लिए अपना जीवन दान कर दिया, जिनका उद्देश्य सत्ता प्राप्ति नहीं है, इनका उद्देश्य है समाज का कल्याण, तो आप श्री गोदारा साहब, भीम आर्मी के चीफ, अस्पा के चीफ चंद्रशेखर जी, ऐसे व्यक्ति और इनके नुमाइंदों को विजयी बना करके और अपना वोट का सही इस्तेमाल करें। मैं हमें बड़ा शुभ करती है बातें जब ऐसी ऐसी भेदभाव और पैसे का दुरुपयोग ताकतवर व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है और आप सामान्य गण का अधिकार छीना जाता है। आप सुनिश्चित करें और किसी और भावना से ना होकर के और सामाजिक न्याय समाज की भावना से, देश की भावना से आप लोग ऐसे लोगों को जो सच्चे हो, जो देश के साथ, देश की गरीब जनता के साथ खड़े होने वाले हो, उनको विजय बनाएं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए विदा लेता हूं। जय हिंद।